हेलो बच्चों, SDS विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूर्य प्रताप सिंह कक्षा 5 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान के पहले चैप्टर में पौधों में प्रजनन कैसे होता है, इसको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। इसके बाद इसी पाठ का दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। बीजों का प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज कैसे जाते हैं। पहला नंबर होता है वायु के द्वारा, बाई एयर, हवा के द्वारा। वायु कुछ छोटे तथा हल्के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उड़ा ले जाती है। जैसे कपास, आख आदि के बीजों को वायु उड़ाकर ले जाती है और दूसरे स्थानों पर पहुंचा देती है। इस तरह देखते हैं कि बहुत से पेड़ पौधे इधर उधर उग जाते हैं, जमे हुए मिलते हैं और उनके बीज जो होते हैं हवाओं के माध्यम से उड़ जाते हैं और बिखर जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे उग जाते हैं। दूसरा बीजों का प्रकीर्णन होता है जल के द्वारा, बाई वाटर। यानी जब जल का बहाव होता है तो भूमि पर फैले हुए बीज उस बहते हुए जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जल या जल के आसपास उगने वाले पेड़ पौधों के बीज बहते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जैसे नारियल के वृक्ष के तटीयवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं। कभी कभी नारियल समुद्र के जल में गिर जाता है और समुद्र का जल नारियल को दूर किसी स्थान पर पहुंचा देता है। जल में लगातार रहने के कारण इसका बाहरी आवरण गलने लगता है। इस समय कुछ समय पश्चात उसमें से बीज बाहर निकल आता है और वह बीज नए वृक्ष को जन्म दे देता है। इस तरह से जल के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है और नए उन बीजों के द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। फिर होता है तीसरा प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा। जंतुओं के द्वारा बीजों का फैलाव होता है। कुछ पौधों के फलों को मनुष्य अथवा अन्य जंतु खाते हैं तथा उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। इस प्रकार बीज एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी कुछ फलों के छोटे बीज प्राणियों द्वारा गूदे के साथ निकल जाते हैं और ये बीज मल के साथ बाहर निकल आते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षियां जो होती हैं वह अमरूद आदि फलों को खाते हैं और उनके बीज को इधर उधर फैला देते हैं। जैसे कुछ बीजों के छोटे छोटे फल जैसे गोखरू, धतूरा, ओकरा आदि में कांटे होते हैं। ये जंतुओं के बालों से चिपक जाते हैं और उनके साथ दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। बाद में इन फलों के बीज उस स्थान पर नए पौधे उग जाते हैं। कुछ वृक्षों के फल चटकने से उसमें बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जैसे सेम, उड़द, मटर, गुलमेहदी आदि की फली सूख कर अचानक चटक जाती है, अचानक फल फूट जाते हैं। इस तरह से उनके बीज चारों ओर बिखर जाते हैं। पक्षियों के द्वारा भी बीजों का बिखराव होता है। पक्षी अनाज को अपनी चोंच में दबाकर दूर दूर तक ले जाते हैं और उनके चोंच से जब बीज गिर जाते हैं तो इस तरह से बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब हम प्रजनन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन क्या होता है? जब किसी नए पौधे का जन्म जड़, तना अथवा पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार का प्रजनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। कायिक प्रजनन जो होता है, पहला नंबर होता है जड़ों के द्वारा प्रजनन। जड़ों के द्वारा प्रजनन क्या है? कुछ पौधे जड़ों के द्वारा उगते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम आदि। इस प्रकार के पौधों की जड़ें भूमि के अंदर होती हैं। ये जड़ें भोजन इकट्ठा करके मोटी तथा मांसल हो जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, जो मनुष्य के द्वारा खाई जाती हैं। इन जड़ों को भूमि में दबा दिया जाता है और ये जड़ें कुछ समय के बाद नए पौधे में बदल जाती हैं। इस प्रकार एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। दूसरा होता है इसमें तनों के द्वारा। हाँ, तो बता रहे थे
कि कायिक प्रजनन का दूसरा प्रकार है तनों द्वारा प्रजनन। यानी तनों द्वारा प्रजनन कैसे होता है, कुछ पौधे भूमिगत तनों द्वारा उगते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज आदि के पौधों का तना भूमिगत होता है, इनमें भोजन एकत्रित रहता है। आलू व अदरक में कलियां होती हैं जो देखने में आँखों जैसी लगती हैं। जब यह कलियां जमीन में दबा दी जाती हैं तो इन कलियों से नए पौधे उगते हैं। गन्ने में भी प्रजनन तने के द्वारा होता है, जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। तीसरा, कायिक प्रजनन का तीसरा प्रकार है भूमिगत तनों द्वारा, यानी भूमि पर रेंगने वाले दुर्बल तनों से शाखाएं निकलकर भूमि में प्रवेश करके नया पौधा बनाती हैं, जैसे पुदीना, स्ट्रॉबेरी आदि। भूमिगत तनों में कलियां पाई जाती हैं, इन्हें मिट्टी में दबाने से कई नन्हे पौधे उग जाते हैं, जैसे आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक, केला, हल्दी आदि भूमिगत तने हैं। अदरक और आलू में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें कलियां या आँखें कहते हैं। इन तनों को जब भूमि के भीतर दबा दिया जाता है तो उचित व्यवस्थाओं में इन्हीं कलियों से नए पौधों का जन्म होता है। कुछ पौधे जैसे प्याज, लहसुन, केसर आदि में भोजन सल्क पत्रों में एकत्रित रहता है। इससे बने सल्क को कंद के अंदर अनेक कलियां होती हैं। इन कलियों से ही अनुकूल परिस्थितियों से पौधों का जन्म होता है। ये था भूमिगत तनों के द्वारा प्रजनन। अब चौथा है कायिक प्रजनन का चौथा प्रकार, पत्तियों के द्वारा प्रजनन। पत्तियों के द्वारा कैसे नए पौधों का जन्म होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी पत्तियों पर उपस्थित कलियों से नए पौधे उगाते हैं, जैसे अजूबा जिसको हम बोलते हैं, ब्रायोजाइलम और विगोनिया की पत्तियों पर कलियां होती हैं। इन कलियों को जब गीली मिट्टी में दबाया जाता है तो इनमें नए पौधों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन का मतलब कि कैसे मनुष्य पौधों को अपने हिसाब से नए पौधों को जन्म देते हैं। जैसे माली बहुत सी विधियों द्वारा नए पौधों को उगाते हैं, जिसे हम कृत्रिम विधियां कहते हैं। कृत्रिम विधि की पहली विधि है कलम के द्वारा प्रजनन। कुछ पौधों का जन्म कलम द्वारा होता है। कलम का मतलब होता है उनके तनों को, पौधे के तने के टुकड़े को कलम कहते हैं। यानी यदि कलम को पौधों से काट कर भूमि में लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद कलम में नई शाखाएं निकलती हैं और नया पौधा उगता है। प्रत्येक कलम में कम से कम एक कली अवश्य होनी चाहिए। कलम को कली सहित ही दबाना चाहिए। अतः बीज से उगाए गए पौधों की अपेक्षा कलम द्वारा उगाया गया पौधा फूल जल्द ही देना शुरू हो जाता है। जैसे अंगूर, गुलाब आदि के पौधों को इसी तरह से लगाया जाता है। हम देखते हैं कि अंगूर और गुलाब के पौधों को डालियों को काट लिया जाता है और ज़मीन में लगा दिया जाता है। इस विधि को कलम विधि कहते हैं। आगे दूसरा कृत्रिम प्रजनन की दूसरी विधि है रोपण द्वारा प्रजनन। रोपण द्वारा प्रजनन कैसे होता है, कुछ पौधे जैसे चमेली, रसभरी आदि की शाखा को भूमि की तरफ झुका दिया जाता है। जब भूमि को झुका दिया जाता है तब इसमें दबाए गए भाग में एक कली अवश्य होनी चाहिए। इससे कुछ दिनों में नया पौधा निकल आता है। जब कलम को किसी अन्य पौधों के तने में लगाया जाता है तो इसे रोपण विधि कहते हैं। रोपण विधि में जैसे मीठे आम के वृक्ष की शाखा को खट्टे आम के तने में लगाने पर वह भी मीठा आम बन जाता है। इस विधि को हम रोपण विधि कहते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको ध्यानपूर्वक सुनने के बाद इस पहले चैप्टर का आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा और इस अभ्यास कार्य को आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।